ऑफ यू, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट। देखो, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो प्लांट है उनमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और इसके अलावा किस तरीके से अर्थमेटिक तरीके से और ज्योमेट्रिक तरीके से जो प्लांट की ग्रोथ है अपन उसका पता करेंगे। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम पे ग्रोथ रेट क्या होती है उसके बारे में भी देखा था। चलो अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, इस वाले टॉपिक को। आज का है डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है। सबसे पहले बात करें डिफ्रेंसिएशन की। देखो, डिफरेंसिएशन का मतलब होता है वो सेल्स जिनमें कैपेसिटी होती है डिवाइडेशन करने की। और इसके अलावा जो ये डी डिफरेंसिएशन है, कुछ सेल है जैसे अपने पास अभी एक नई सेल है मेरे पास में, वो डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद में अपनी जो एक्टिविटी जो है वो डिवाइड करने की आगे जाके लूज कर देगी। लेकिन जब जैसे ही डी डिफरेंसिएशन होगा तो जो ऐसी सेल्स, डिफरेंसिएटेड सेल जो अपनी डिफरेंसिएशन करने की जो कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, जैसे ही डी डिफरेंसिएशन होगा वो उस कैपेसिटी को वापस से पा लेंगी। देखो, सबसे पहले इसको पढ़ के देखते हैं, डी डिफरेंसिएशन को। इट रेफर टू द परमानेंट क्वालिटेटिव चेंज इन स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखो, लास्ट टाइम में अपन ने डिस्कस किया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, अभी एक बार उसको फिर से देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या है। देखो, प्रोटोप्लाज्म, तुमने एक वर्ड हमेशा से सुना होगा, साइटोप्लाज्म। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में? प्रोनाउंस दोनों सेम से होते हैं, बस इसका पी और इसका सी, तो ऐसा क्यों? देखो, इसका मींस ये है, प्रोटोप्लाज्म, जैसे मेरे पास में एक सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। और जबकि जो सेल है इस न्यूक्लियस के यहां पे कौन पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। ये इनका मेन डिफरेंस होता है। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जब भी अपन को क्रोमोजोम वगैरह जो है उनको अलग अलग करना होता है तब हम कौन सा करवाते हैं, प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंसिएशन होता है, जब सेल डिवाइड करेगी तब। और ये साइटोप्लाज्म जो है ये आउटर यानी कि न्यूक्लियस के अलावा जो डिवाइडेशन होगा वो कौन सा होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवाइडेशन होगा। देखो, इसमें बोला है कि ये रेफर्ड करता है परमानेंट क्वालिटेटिव चेंज को, किसके अंदर, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी केमिस्ट्री के अंदर और उसकी फिजियोलॉजी के अंदर। केमिस्ट्री का मींस यहाँ पे उसके केमिकल्स जो हैं वो उनमें चेंज आ जाएगा। इसके अलावा फिजियोलॉजी का मींस ये है कि अभी तो अपने जो पेड़ लगाया वो इतना सा है, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो क्या हो जाए, लंबा हो जाए, तो उसकी फिजियोलॉजी में क्या आ गया, चेंज आ गया उसकी फिजियोलॉजी के अंदर। आगे बोला है सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और इसके अलावा जो डिफरेंस है वो किस किस में आएगा, उसकी सेल वॉल के अंदर और प्रोटोप्लाज्म में। देखो, कॉमन सी बात है, जब अपने पास में एक सेल जो है जब वो इलोंगेट होगी तो इसकी साइज इंक्रीज होगी। अब जब ये बाहर वाला ये सेल वॉल है यही नहीं बढ़ रही, तो अंदर का मैटर कैसे ये आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए सेल वॉल के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे डिवाइडेशन होता है, वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है जब डिफरेंसिएशन होता है तब। टिश्यू एंड ऑर्गन, सेल डिवाइड करेंगी, जो सेल का कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, टिश्यू होता है। तो जैसे ही सेल डिवाइड करेंगी वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, तो टिश्यू का नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे ही टिश्यू बढ़ेंगे तो ऑर्गन भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इट अकर बाय द एक्टिवेशन और रिप्रेशन ऑफ सम जीन। देखो, एक्टिवेशन और रिप्रेशन क्या होता है जीन का। डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या पाई जाती है, जीन्स पाई जाती है। जीन का होता है प्रमोटर रीजन, उसका कोडिंग रीजन और लास्ट वाला उसका स्टॉप या टर्मिनेटर, जहां से जो कोई भी अपन डीएनए या सॉरी आरएनए पॉलीमरेज लेंगे वो वहां से रिमूव हो जाएगा। देखो, इनके अंदर क्या होता है, अब ये यहाँ पे बैठ के प्रमोटर पे और उसने कोडिंग रीजन को यहाँ उसका आरएनए बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो हो जाता है एक्टिवेशन, क्योंकि लास्ट में जाके अपन को क्या मिल जाएगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन जो होगा उससे अपन को एमआरएनए मिलेगा, और जैसे ही ट्रांसलेशन होगा अपन को क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि इनके अंदर रिप्रेशर प्रोटीन्स जो होती है जो यहाँ पे आके बैठ जाएंगी और इसको आगे की तरफ ही नहीं जाने देती। अब ये जब आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा ही नहीं, तो इसका कोडिंग रीजन की जो कॉपी है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसे होगा,
तो रिप्रेशन होता है इनके अंदर, और कभी कभी क्या होता है इनके अंदर एक्टिवेशन होता है। जब अपन को प्रोटीन बनानी हो तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब नहीं बनानी तो वो रिप्रेस हो जाएगा। रिप्रेस का मीन्स बंद होना है, मतलब जो अपन को चाहिए वो प्रोडक्ट अपन को अब नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म ए ट्रेकेरी एलिमेंट दैट सेल वुड लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म। देखो एक वर्ड आया है ये ट्रेकेरी एलिमेंट। क्या होता है ट्रेकेरी एलिमेंट? जाइलम जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रेकेरी एलिमेंट। और जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को। तो ट्रेकेरी एलिमेंट भी बनने जरूरी है, क्योंकि जब एक प्लांट यहां तक कर पा रहा था, उसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट अपन यहां तक कर पा रहे थे उसके अंदर, अब उसको जब उसकी हाइट बढ़ गई तो ऊपर तक लेके जाना है उसको पानी को, तो ट्रेकेरी एलिमेंट का भी तो बढ़ना जरूरी है, ये भी तो नंबर अपनी इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये भी क्या करेंगे, जैसे प्लांट में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा इनका नंबर भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ट्रेकेरी एलिमेंट का। द सेल वुड लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म, और इसके अलावा जो सेल होती है वो क्या कर देती है? लॉस कर देती है अपने प्रोटोप्लाज्म का। वो क्यों? प्रोटोप्लाज्म का सेल क्यों लॉस करेगी अपना? देखो अपने पास में न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए वगैरह कंटेंट है, जब वो डिवाइडेशन करेगा तो इस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी अलग होगा, टूटेगा वो भी, तो क्या कर दिया सेल ने, तो लॉस करा ना उसको, तो वो भी इसको क्या कर देगी? लॉस कर देगी। दे ऑल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नो सेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वॉटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। इसके अलावा वो एक चीज और है उसको डेवलप करती है, एक तो इलास्टिसिटी और एक होता है लिग्नो सेल्यूलोजिक। लिग्नो यानी लिग्निन, सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज। लिग्निन और सेल्यूलोज का जो नंबर है उसको भी वो क्या कर लेगी वहां पे? इंक्रीज कर लेगी, जो कि क्या करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वॉटर। और क्या बनाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। देखो प्राइमरी होता है एक अपने पास में, एक सेकेंडरी होता है, जो लास्ट टाइम अपन ने देखा था उनके अंदर भी कि अपने पास के अंदर कैम्बियम था, प्राइमरी कैम्बियम और सेकेंडरी कैम्बियम। जैसे ही प्लांट डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तो कुछ टाइम बाद में, पहले तो उसकी प्राइमरी ग्रोथ चलेगी लेकिन कुछ टाइम बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी के अंदर। और जैसे एक्सट्रीम कंडीशन से क्या मतलब समझते हो तुम लोग? एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है? देखो एक्सट्रीम कंडीशन का मींस है बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर राइज हो जाए, या फिर उसके अंदर कोल्डनेस आ जाए, और उमस जो अपन बोलते हैं वो बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। तो देखो इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डी डिफ्रेंसिएशन। डिफरेंशिएशन कोई सेल कर रही है, कुछ टाइम बाद में वो ओल्ड हो जाएगी और अपना डिफरेंशिएशन क्या कर देगी? बंद कर देगी। लेकिन अभी भी अपन को सेकेंडरी ग्रोथ तो उसमें करवानी है, तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है, जो अपनी एबिलिटी खो चुकी है डिफरेंशिएट करने की, उनकी वो कैपेसिटी वापस लौटाना ही क्या कहलाती है? डी डिफरेंशिएशन। कोई भी सेल है मेरे पास में, ये एक सेल है, इसने डिफरेंशिएशन किया और मानो इसने 16 सेल बना ली, अब इससे ज्यादा ये बना ही नहीं पा रही है, तो इसके बाद में आएगी ये वाली प्रोसेस, कौन सी? डी डिफरेंशिएशन। इस डी डिफरेंशिएशन के बाद में ये 16 सेल वापस से क्या करना स्टार्ट कर देंगी? अपना डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देंगी। हाँ पूछो। इसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह, देखो जो अपन ने वहां पे इसमें ही पढ़ा है ना, जो उसका रिप्रेशन हो जाता है कभी उनका एक्टिवेशन हो जाता है, तो डी डिफरेंशिएशन के दौरान उन जीन्स का क्या हो जाता है? रिप्रेशन हो जाता है, वो बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही डी डिफरेंशिएशन चलेगा ना तो वो वापस क्या कर देंगी? उनके अंदर वो प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा जीन का, और वापस से वो प्रोटीन बनने लग जाएगा, और जैसे उनको प्रोटीन मिलेगा वो क्या कर देंगी? वापस से अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगी। ये है इलास्टिक का मतलब लंबा खींचना। देखो सेल के अंदर इलोंगेशन होना और क्या होता है? सेल अपने पास में नॉर्मल इलास्टिसिटी बढ़ेगी तभी तो वो डिफरेंशिएशन ज्यादा करेगी। और इसके अलावा ये अपना लिग्नो सेल्यूलोजिक, क्योंकि देखो तुमने देखा होगा लिग्निन और सेल्यूलोज, पूरी सेल का कंपोजिशन उसी से होता है बनना, लिग्निन होती है उसमें प्रोटीन होते हैं, सेल्यूलोज होती है, तो इसके लिए ये भी तो एक तरीके से रिक्वायरमेंट हो गया। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हर चीज चाहिए अपन को, ऐसे तो है नहीं, डीएनए जो अपना जेनेटिक उनका पेड़ों का जो जेनेटिक मटेरियल है उनको तो डिफरेंशिएट कर लिया, बाकी सेल डिफरेंशिएट ही नहीं कर रही है,
तो इसके लिए ये भी जरूरी होता है इनके अंदर। देखो अब आगे डी डिफ्रेंसिएशन के अंदर, इट इज द प्रोसेस ऑफ डी स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफ्रेंसिएटेड लिविंग सेल सो दैट दे रिगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। आया समझ में कि इनके अंदर जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो वापस से रिगेन कर लेती है अपनी डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी को, जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ए डिफरेंशिएटेड टिश्यू कैन एक्ट एज मेरिस्टेम। अभी क्लियर हुआ विजन? देखो अब हमने क्या देखा था, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें डिफरेंशिएशन करने की कैपेसिटी होती है। अब कुछ सेल ओल्ड हो गई तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी लूज कर दी, लेकिन बाद में ही वापस से वो किसके जैसे फंक्शन करने लग जाएंगी, मेरिस्टेम के जैसे। और उसका रीजन क्या था, जो जीन था पहले उसका रिप्रेशन हो गया, अब उनका क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया। एग्जाम्पल है इसका इंटर फेसिक्यूलर वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड वुड कैम्बियम। ये सारी चीजें क्या होती है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट होने लग जाते हैं। इसलिए देखो अपन ने सेकेंडरी कैम्बियम बोला है, सेकेंडरी कॉर्क कैम्बियम भी पढ़ा था प्राइमरी के अलावा। सेकेंडरी कब बनना स्टार्ट होगा, जब डी डिफरेंशिएशन होगा उसके अंदर। इन कल्चर एक्सपेरिमेंट पैरेन्काइमा सेल डी डिफरेंशिएटेड टू प्रोड्यूस ए मास ऑफ डिवाइडिंग सेल कॉल्ड कैलस। एक एक्सपेरिमेंट था उसमें ये पता चला कि जो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो डी डिफरेंशिएशन करती हैं और उसके अंदर प्रोड्यूस ए मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, और इसके अलावा वो और सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, उसको क्या कहेंगे अपन, कैलस। तो ये एक नंबर में दो नंबर में पूछ सकता है कि डेफिनेशन, उसको एक्सप्लेन में पूछ ले, एक्सप्लेन में तो क्या ही आएगा, डेफिनेशन पूछ सकता है इसकी कि कैलस क्या होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो पैरेन्काइमा सेल्स है वो जब डी डिफरेंशिएशन करेंगे अपन उसको क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। क्लियर है सबको? अगला आता है री डिफरेंशिएशन। उसमें डी था और एक था ओनली डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सेल डिवाइडेशन कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो अपनी कैपेसिटी को क्या कर रही थी, लूज कर रही थी। जैसे ही डी डिफरेंशिएशन आया वो लूज करी हुई कैपेसिटी उसने वापस से रिगेन कर ली, और अब ये री वाला जो है ना, सॉरी डी वाला था उसके अंदर उसने रिगेन किया, और जैसे ही री डिफरेंशिएशन होगा इसके दौरान उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो वो डी डिफरेंशिएशन वाली सेल थी ना उन्होंने अपनी कैपेसिटी बनाई थी वो वापस से लॉस कर देंगी। मतलब वो डिसाइड हो जाएंगे अब मुझे करना क्या है। तो तुम लोग होते हो ना 11th में सोचते हो मैथ ले कि बायो ले, फिर उसका पूरे साल भर यही चलता है, मैथ में बैठूंगा नहीं मैं बायो में बैठूंगा। जैसे ही तुम लोगों की 12th आएगी अब तो मुझे बायो लेनी है। तो वैसे ही इसके साथ है, पहले डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन जैसे आएगा अब वो सोच रहा है कि अब मुझे बस ये काम करना ही है, बस मतलब और मुझे अब डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बस हो गया मेरा। देखो इसमें स्ट्रक्चरल केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज कॉल्ड री डिफरेंशिएशन। कि स्ट्रक्चरल केमिकल और फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन हो जाए, स्पेशलाइजेशन मतलब अब उनको पता है कि मुझे क्या करना है, कभी इधर उनको नहीं भागना, अब उसको जिस तरफ जाना था वो उस तरफ ही जाएगी। स्पेशलाइज सेल डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कि जो डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनको उनके अंदर अब क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। कौन सी सेल्स के अंदर, डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर अब स्पेशलाइजेशन हो जाता है अपना फंक्शनिंग करने के लिए, जिसको अपन क्या कहेंगे, री डिफरेंशिएशन कहेंगे। इट इज सिमिलर टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेल एंड टिश्यू फॉर्म्ड बाय प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। और ये बिल्कुल किससे अपनी सिमिलरिटी शो करता है, डिफरेंशिएशन में। देखो उसमें भी यही हो रहा था ना कि वो अपना काम कर रहा था फिर रुक गया कि बस, लेकिन जैसे ही डी डिफरेंशिएशन आया उसने बोला कि नहीं वापस इसको रिगेन कर देते इसकी एक्टिविटी को, लेकिन वापस जब री डिफरेंशिएशन आया इसने क्या कर दिया कि वापस ये वर्क करने लग गया एज ए डिफरेंशिएशन। आगे इसमें है, इट इज सिमिलर टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेल एंड टिश्यू फॉर्म्ड बाय प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी फ्लोएम
सेकेंडरी जाइलम एंड कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर सम ऑफ द टिश्यू फॉर्म्ड थ्रू री डिफरेंशिएशन। ये ऐसी है, ये कॉर्क सेकेंडरी कॉर्क वगैरह जो है वो किसके द्वारा फॉर्म करे जाते हैं, री डिफरेंशिएशन के द्वारा। देखो डी डिफरेंशिएशन इनको बनाने के लिए एक्टिवेशन करता है, लेकिन लास्ट में जब जैसे ही डी के बाद में री डिफरेंशिएशन आएगा ना, तो ये इसको अब बोल देता है हाँ अब तो ये यही काम करना है। तुमसे एग्जाम्पल पूछ ले री डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो याद रखना सेकेंडरी जिसके साथ में डिनोट हो रहा है वर्ड वो कौन सा होगा, री डिफरेंशिएशन। आगे है इसमें द सेम एपिकल मेरिस्टेम सेल गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सेम एपिकल मेरिस्टेम सेल्स की जो एपिकल मेरिस्टेम सेल्स है वो अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन करती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल्स वो बनाती हैं। एग्जांपल लाइक जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा, फाइबर एंड कोला क्लोरेन्काइमा इटीसी। ये सारी चीजें कौन बनाएंगी, डिफरेंट टाइप की एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये भी याद रखने की चीज है कि इन सब का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यू फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज कमिटेड और डिटरमिनेशन। इसके अंदर आता है ये, और देखो ये अलग अलग सेल्स बनाएगा और अलग अलग सेल को उनका अपना एक काम दे देगा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, क्योंकि अब वो सेल कैसी हो गई है, कमिटेड हो गई है, कि अब वो कुछ और डिवाइडेशन नहीं करेंगी, कहीं और नहीं जाएंगी, जहां वो है बस वहीं के वहीं रह जाएंगी। कमिटमेंट अब उनका हो गया है कि तुझे फ्लावर बनाना है, कि फ्रूट बनाना है, कि जाइलम का फॉर्मेशन करोगे या फ्लोएम का फॉर्मेशन करोगे, और डिटर्मिनेशन भी हो गया है कि अब कहीं और उनको इधर उधर नहीं भटकना है। इट इज जनरली ड्यू टू लोकेशन एंड रिसेप्शन ऑफ पर्टिक्युलर सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल सेल डिस्टल टू रूट एपिकल मेरिस्टेम फ्रॉम रूट कैप। इसके अलावा ये जो सेल है वो पर्टिक्युलर क्या देती है, एक सिग्नल देती है किस किस को, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो सेल डिस्टल टू रूट एपिकल मेरिस्टेम और फॉर्म एंड रूट कैप, कि अब क्या बनाओगे, रूट कैप बनानी है, रूट एपिकल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करना है। इसके अलावा वेल वन ऑन द पेरिफेरी दे फॉर्म एपिब्लेमा फॉलोड बाय कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पैरेन्काइमी वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वॉटर को, और फ्लोएम किसको करता है, फूड को करता है, एकदम से। तो इसके अलावा ये सारी चीजें, इनके बाद में इनका भी फॉर्मेशन होना हो जाएगा, और लास्ट में अपनी जो रीडिफरेंशिएशन वाली जो पार्ट है वो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हो जाता है। आ गया था डेवलपमेंट क्या है, देखो डिफरेंशिएशन हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया और रीडिफरेंशिएशन हो गया। अब कंप्लीटली जो चीज उनमें बननी चाहिए ना एक प्लांट में, वो कंप्लीटली हर एक चीज बन गई। अब इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट के बारे में अपन देखते हैं। डेवलपमेंट इज ए सिक्वेंस ऑफ चेंज दैट अकर इन स्ट्रक्चर फंक्शनिंग ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गन टिश्यू एंड सेल इन्वॉल्विंग इट्स फॉर्मेशन। डेवलपमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज, फंक्शनल चेंज किसके अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मैच्यूरेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसेशन एंड डेथ। इसका मतलब समझाती हूँ तुम्हें, देखो यहाँ पे होगा शायद एक डायग्राम। तो जैसे इसके अंदर क्या बोला है, अपन इसको यहाँ से देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उनके अंदर क्या हो रहा है, प्लास्टिक ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद में इनके अंदर क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब स्टार्टिंग करेंगे वो डिफरेंशिएट करने की। उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब सेल जो है वो क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है। फिर उसके बाद में उसमें मैच्यूरेशन होगा, मतलब डिवाइड करेंगी, लास्ट में उनका मैच्यूरेशन हो जाएगा। जब मैच्योर सेल हो जाएगी उसके बाद में क्या होगा, सेंसेशन मतलब होता है, जैसे कि मेरे पास में एक पेड़ है, तुम देखते हो ना जैसे ही सर्दी या गर्मी या बाहर का कोई टेम्परेचर मिलता है, जो पेड़ है इसकी पत्ती है यहाँ से हट जाती है। क्यों हट गई, क्योंकि अब उसकी क्या हो गई, पत्ती की डेथ हो गई। तो इसके बाद में जैसे मैच्योर होगी उसके बाद में सेंसेंस होके, फिर उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है,
डेथ हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है कि एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। आगे है इसके अंदर, ए प्लांट पासेस थ्रू डेवलपमेंट स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग, जुवेनाइल फेज, मैच्योरेशन, फ्लावरिंग, सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंसेन। कौन कौन सी स्टेज हो सकती है एक प्लांट के अंदर? ये सारी स्टेज होंगी। सबसे पहले तो वो एक सीड के अंदर से बाहर निकलेगा, सीडलिंग्स आएंगे उनके अंदर, फिर वो जुवेनाइल फेज में जाएगा, फिर उस जुवेनाइल के बाद में उनका मैच्योरेशन होगा, जिस मैच्योरेशन होने के बाद में क्या होगा, उसमें फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स से फिर वो नए सीड बनाना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा लास्ट होता है, जैसे ही उसका, अब इसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही मैच्योरेशन हुआ उसके अंदर फ्लावर्स आए, फ्लावर्स के बाद में उसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, सीड का, क्योंकि अपने जेनेटिक मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना भी तो जरूरी है। तो प्लांट क्या बनाएगा, अपना सीड बनाएगा। सीड जैसे ही बनाएगा, प्लांट का काम हो गया पूरा। अब वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसके अंदर पत्तियां होंगी वो झड़ जाएंगी, फ्रूट होंगे उनमें रिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो लास्ट में ये स्टेज आ जाती है। आगे आता है कन्वर्जन ऑफ वन फेज इनटू नेक्स्ट इज आल्सो डेवलपमेंट। एक फेज से और दूसरी फेज में कन्वर्जन करना भी क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि अपने पास में जैसे सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट के बाद में वो जुवेनाइल स्टेज में हुआ, तो वो उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो वन फेज से और नेक्स्ट फेज में गया, वो भी उसका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। एग्जाम्पल के लिए, लीफ इनिशियल इनिशिएशन टू लीफ एक्सपेंशन, वेजिटेटिव फेज एंड फ्लावरिंग फेज। देखो वेजिटेटिव का मतलब, इनिशिएशन मतलब शुरुआत किया उसने, उसके ने जर्मिनेशन स्टार्ट किया, जर्मिनेशन से वो कोटिलेडंस उसके बाहर निकले, उसके बाद में आएगा उसका वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव का मींस होता है उसकी पत्तियां, स्टेम्स वगैरह कंप्लीटली क्या हो गई, बहुत ज्यादा मात्रा में डिवाइडेशन होके, और वो एक बोल देना अपन पूरा भरा परा भरा हुआ सा पेड़ वैसा हो गया। अब इसके बाद में उसका मैच्योरेशन आएगा, उसमें उसके क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लावर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। डेवलपमेंट में इवन अकर एट सब सेलुलर लेवल। डेवलपमेंट हमेशा किस लेवल पे होता है, सब सेलुलर लेवल के ऊपर। सब सेलुलर लेवल का मींस होता है अपीयरेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन सेल एक्सपोज टू सनलाइट, कि क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्या गिरती है, सनलाइट गिरती है। देखो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट पे कौन गिरेगी, सनलाइट गिरेगी। ये सनलाइट इसके ऊपर जैसे ही आएगी, उसके बाद में क्या होगा, ये अपना फूड बनाएगा, फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड ही तो बनाएगा। तो ये जो लेवल होता है वो कौन सा लेवल है अपने पास में, सब सेलुलर लेवल। आगे इसमें डेवलपमेंट अल्टीमेटली लीड टू सनसेंस एंड सेल डेथ, कि पत्तियों का झड़ना और उसकी सेल की डेथ भी क्या होती है, डेवलपमेंट का ये क्या है, पार्ट है। डेवलपमेंट होगा होगा, लास्ट में सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, पत्तियां क्या हो जाएंगी, वहां से झड़ जाएंगी। डेवलपमेंट इन प्लांट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होता, किनमें, प्लांट के अंदर। सम टाइम डिफरेंट स्ट्रक्चर में डेवलप इन डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ एज वेल एज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। इसके अलावा कभी कभी होता है बाहर से कुछ भी उसको अपन दे देते हैं ना, तो उसमें चेंज आ जाता है। देखो आजकल क्या कर रहे हैं लोग, खेती कर रहे हैं, तुम देखोगे कि ग्रीन हाउसेस बना रहे हैं उनके लिए, ताकि टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करके जो सब्जियां पिछले सीजन की थी वो अभी ग्रो करवाई जा सके। तो वो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ तो उनमें भी हो रही है, लेकिन क्या उसके अंदर स्ट्रेट ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर हम लोग जो हमेशा स्ट्रेट ग्रोथ नहीं देख सकते कि वो खुद से सारा काम करे, कभी कभी बाहर से एनवायरमेंट से उसको कोई भी एक्सप्रेशन देके उसको इंड्यूस करके और अपन जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करके जो सब्जियां इस सीजन की नहीं है वो भी लगाई जा सकती है, तो उसको अपन बोल सकते हैं नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, कि प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होता, कभी कभी जो एनवायरमेंटल रेस्पॉन्स होता है उनकी वजह से भी क्या हो जाता है, डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप से हो जाता है। Therefore, development is under control in both intrinsic और extrinsic factors. Two type के factor होते हैं, एक intrinsic होता है और एक extrinsic होता है। Intrinsic factor जो होगा वो कौन कौन से हो सकते हैं अपने पास में, उसके अंदर genetic factor and growth regulate।
इंट्रेंसिक जेनेटिक फैक्टर कौन कौन से, उसके डीएनए, आरएनए, उसके अंदर जीन्स का एक्सप्रेशन, एंजाइम्स वगैरह, वो सारे कौन है, इंट्रेंसिक है उसके अंदर। और एक्सट्रेंसिक है मतलब जो बाहर से मिल रहे हैं। बाहर से क्या मिलता है प्लांट को, लाइट मिलती है, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ये सारे, ये भी जरूरी है और ये फैक्टर भी जरूरी है। अगर दोनों का एक्सप्रेशन उसको अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ ना, तो प्लांट की जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जैसा एक प्लांट ग्रो करना चाहिए वो वैसा प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए हमें इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दोनों फैक्टर का ध्यान रखना जरूरी है। आगे है, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। कि अलग अलग पाथवे के द्वारा भी हम प्लांट के अंदर क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन और फिर बाद में डेवलपमेंट देखेंगे। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। और जो ये एबिलिटी होती है ना कि हम लोग प्लांट को डिफरेंट पाथवे जो है उसका रेस्पॉन्स, एनवायरमेंट का रेस्पॉन्स उसके ऊपर अपन देखने को मिलेगा, वो कौन सी होती है, प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल के लिए हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्स प्योर, इन सब के अंदर भी अपन को ये देखने को मिल सकती है प्लास्टिसिटी। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइन प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट। देखो इसका तुम लोगों के एक डायग्राम भी है इसके अंदर। देखो जैसे अपने पास में एक डायग्राम देखते हैं, इसके अंदर दिया हुआ है, ये देखो कोरिएंडर वाला जो, ये जुवेनाइन वाला लीफ देखो और इसका अडल्ट वाला देखो, दोनों में कितना डिफरेंस है। कोरिएंडर का मतलब धनिया, जो धनिया का प्लांट होता है ना, जैसे ही जुवेनाइन होता है उसकी अलग स्ट्रक्चर होती है और जो अडल्ट होता है उसकी अलग स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अलावा जो ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है, बटर कप का, एक ये भी एक प्लांट होता है उसका, ये देखो ऐसा होता है इसका डायग्राम। ये वाटर हैबिटाट है और ये कैसे हैबिटाट में, टेरिस्टेरियल। देखो हर एक हैबिटाट के अकॉर्डिंग भी प्लांट का डिफरेंशिएशन और उसका डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब अपन टेरिस्टेरियल हैबिटाट में देखेंगे वो कुछ इस तरीके का दिखेगा अपन को, लार्क्स प्योर। एंड जो बी बटर कप है ये किस में पाया जाता है, एक वाटर हैबिटाट में। देखो इनकी लीव्स के अंदर कितना डिफरेंस है इन सारों की में। और ये कुछ कुछ किससे सिमिलरिटी शो करता है, कोरिएंडर से अपनी सिमिलरिटी शो करता है ना। तो ये इस तरीके से जुवेनाइन में उनकी शेप अलग होती है और जैसे ही वो अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं उनमें और भी अपन को उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिलती है। और इसमें भी यही बोला है, इन सच ए प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइन प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज मैच्योर प्लांट। कि मैच्योर प्लांट से उनकी जुवेनाइन की जो शेप होती है ना प्लांट की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऑन द अदर हैंड डिफरेंट इन शेप ऑफ लीव्स, जैसे अपन ने अभी भी देखा उनकी जो पत्तियों की जो लीव्स की जो शेप थी वो क्या देखने को मिल रही थी अपन को, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रही थी। एक में कुछ इस तरीके से था और एक वाला इस तरीके का था। आगे इसमें अनदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड दोस प्रोड्यूस इन वॉटर। हाँ ये भी एक डिफरेंस है, प्लांट पानी में और लैंड एरिया में उग रहा है, टेरिस्टेरियल एरिया में उग रहा है, तो उसमें भी उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां पे पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा ना उसमें वाटर का और अपन फूड का, तो इस कारण से उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे है इसमें, दोस प्रोड्यूस इन वाटर इन बटर कप ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट। इसके कारण से देखो जो बटर कप है जो वाटर के अंदर ग्रो करता है वो ऑल्सो वो भी रिप्रेजेंट करता है हेट्रोफाइलस। हेट्रोफाइलस का मीन्स देखो एक लीफ के अंदर बहुत सारी लीव्स निकल रही है, जैसे अपने इस डायग्राम में देखा था, देखो बटर कप दिख रहे हैं, वॉटर हैबिटेट में है इसलिए देखो इनके कंपैरिजन में इसके अंदर अपन को ज्यादा देखने को मिल रहा है हेट्रोफाइल। आगे देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स,
प्लांट की ग्रोथ को कौन कौन रेगुलेट करेगा। वैसे तो अपन को पता है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक फैक्टर होते हैं, लेकिन इंट्रेंसिक फैक्टर के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो भी उसके लिए उतने रेस्पॉन्सिबल होते हैं जितना बाहर से वाटर वगैरह अपन देते हैं। क्योंकि किसी भी प्लांट में हर एक चीज के लिए कोई ना कोई हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ऑक्सिन है वो प्लांट की सेल डिवीजन के लिए करता है, साइटोकाइनिन है वो भी प्लांट सेल डिवीजन के लिए काम में आता है। इसके अलावा प्लांट की रूट रिपिंग के लिए इथाइलिन आता है और जिब्रेलिन आता है सीड का जर्मिनेशन के लिए। तो हार्मोन्स भी उतने ही जरूरी है इनके लिए। इसमें देखते क्या लिखा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं विच थॉट प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन। और इसके अलावा वो कैसी कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, लो कंसेंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेट ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट, और वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को और डेवलपमेंट को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। किसके अंदर, प्लांट के अंदर, क्योंकि हर एक हार्मोन का अपना एक काम होता है। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्लांट हार्मोन्स और फाइटोक्रोम्स। और इनको अपन किस नाम से जानेंगे, जो प्लांट के रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, डी डिफरेंशिएशन के लिए, री डिफरेंशिएशन के लिए, वो होते हैं फाइटोक्रोम और हार्मोन्स होते हैं वो। फाइटोक्रोम्स इज टेक्निकली डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस। फाइटोक्रोम क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस होता है अदर देन न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसलोकेटेड टू अनदर रीजन फॉर रेगुलेट वन और मोर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इवन व्हेन दे प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन। फाइटोक्रोम जो है, हम टेक्निकली ये बोल सकते हैं कि एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये कैपेबल होते हैं जो एक रीजन से और दूसरे रीजन पे जाने के लिए, वो क्या होते हैं, एक रीजन से और दूसरे रीजन पे जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस और व्हेन इट प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, कि ये फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन को भी, सॉरी रिएक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा ये बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर उन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। देखो इसके अंदर यहाँ पे बोला दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज फाइटोक्रोम्स, रेफर्ड एज प्लांट हार्मोन्स एंड फाइटो हार्मोन्स। इनको एक और इनको किन नाम से जाना जाएगा, हार्मोन्स के नाम से या फिर फाइटो हार्मोन्स के नाम से। हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि अपन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की हर एक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो स्टेम की ग्रोथ हो, चाहे लीफ की ग्रोथ हो, रूट रिपिंग हो, रूट का बनना हो, फ्लावरिंग हो, उस सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन्स होते हैं। फाइटोक्रोम इज टेक्निकल डिफाइन एज केमिकल सब्सटेंस और अदर देन न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट। देखो जो ये फाइटोक्रोम्स, फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं उनको अपन टेक्निकली किस नाम से बोलेंगे, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्लांट के अंदर नेचुरली ही वो बनते हैं। एंड इज इन कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसलोकेटेड टू अनदर रीजन फॉर रेगुलेटिंग वन और मोर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। और इसके अलावा ये एक जगह से और दूसरी जगह जाते हैं, जो भी अपन को फिजियोलॉजिकल उनके अंदर एक्टिविटी करवानी है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब कि अभी प्लांट के अंदर रिपिंग करवाना है तो कौन से स्टेम के कौन से एरिया में होगा, और फ्रूट का जो, इसके अलावा जो एक न्यू ग्रोथ करवानी है प्लांट के अंदर लीफ की, तो उसके लिए कहाँ पे होगा, तो उस सब के लिए ये एक जगह से कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, दूसरी जगह पे होंगे। इवन व्हेन प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, इसके अलावा ये लो कंसंट्रेशन के अंदर होंगे तब। प्लांट हार्मोन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन लिविंग प्लांट बॉडी। प्लांट हार्मोन जो है उनको दो भागों में बांटा गया है उनके लिविंग प्लांट बॉडी के अकॉर्डिंग, और वो कौन कौन से हैं, एक तो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। देखो एक तो प्लांट की ग्रोथ को उसको बढ़ाए और एक क्या कर दे, उसको इनहिबिट कर दे कि अब रोक दे कि अब प्लांट का ग्रोथ उसमें नहीं होगा। परफॉर्म ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज लाइक सेल डिवीजन, इनलार्जमेंट, ट्रॉपिकल ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, एग्जाम्पल ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ जो प्रमोटर होते हैं वो सेल डिवीजन कराएंगे, उनमें इनलार्जमेंट कराएंगे, और उन सबके एग्जाम्पल कौन है,
ये सारे हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। इसके अलावा इथाइलिन भी अपन बोल सकते हैं। प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं यूजुअली इंड्यूस डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेज जिसके अंदर प्लांट सेल का डिवीजन नहीं करेगी, डोरमेंसी में गई। तुम देखते हो ना कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि तुम लोग कितना ही उनको पानी में ग्रो करवा दो फिर भी वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, कितना ही उनको पानी में भिगो दो फिर भी वो वैसे के वैसे रहेंगे। क्यों है वो ऐसे? क्योंकि वो कौन से स्टेज में गए? अपनी डोरमेंसी स्टेज के अंदर गए। एंड ऑब्सेशन एंड ऑल्सो इंड्यूस रेस्पॉन्स टू वुडन बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस। इसके अलावा कुछ बायोटिक और अबायोटिक जो स्ट्रेस है उसका भी वो भी कौन करेंगे? ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। देखो अभी अभी एक आया था इथाइलिन का जो फ्रूट रिपिंग के लिए आता है, तो ये फ्रूट रिपिंग भी एक तरीके की किस में आएगी? इनहिबिशन में आएगी। देखना जैसे ही फ्रूट पकना स्टार्ट करेगा ना उसके बाद में वो और ग्रोथ नहीं करता। जैसे एक प्लांट है उसके अंदर जो फ्रूट की साइज है ये लगी हुई है, अब जब ये रिप इतनी ही साइज का रिप होगा पक्के यहाँ से इतना ही गिरेगा, ऐसे नहीं कि उसके बाद में जब रिप होगा तब तक उसके बाद में भी वो अपनी साइज बढ़ाता रहेगा। वो इसलिए क्योंकि वो क्या हो गया, उसके अंदर कौन सा हार्मोन? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन जो है, फाइटोक्रोम जो फाइटो हार्मोन जो है वो उसके अंदर आ गए। और कौन कौन से हो सकते हैं? अब्सेसिक और इथाइलिन। अब्सेसिक एसिड पता है कहाँ ये काम आएगा? जैसे कोई एक अपने एक एरिया में रह रहा, अचानक से वहां पे बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने की वजह से जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे पानी के नीचे दब गए। अब उनको तो फोटोसिंथेसिस अपना करना होता है, तो उस दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? अब्सेसिक एसिड। और इसको अपन स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन। और इथाइलिन किसके लिए होता है? फ्रूट रिपिंग। आगे है सबसे पहला हार्मोन देखते हैं इसके अंदर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। देखो ऑक्सिन जो है वो कहां पाया जाएगा अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जो एक मेरे पास में एक प्लांट है, प्लांट के ये टिप एरिया के ऊपर, जो एक प्लांट को ग्रोथ के लिए सबसे ऊपर का जो एरिया होगा ना, तुम देखा करो जब कभी अपन इस पेड़ का अगर यहाँ से तोड़ देंगे ना, वो नीचे से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज्यादा हैवी, ज्यादा नीचे से। तो वो जो ऑक्सिन है वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट के टिप एरिया के अंदर सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वहां पे ये पाया जाता है। वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन हैविंग एन अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलेंगे आयोडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। याद रखना इसके लिए जो ये इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना उसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसी की वजह से जो ऑक्सिन है ना ये पहले ब्लॉक रहता है, इसके पास में एक IAA और H और रहता है, लेकिन जैसे ही प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट होगा ना ये हाइड्रोजन जो है ये बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाके इसकी कंसंट्रेशन जो बाहर की तरफ ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद में ये ट्रांसपोर्टर्स को ऑन करेगा और फिर IAA जो है वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं इसके अंदर। ये जो तुम बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तब देखोगे कि इसका सेलुलर बेस पे या सेल बायो के अंदर ये कैसे उनके अंदर पूरा का पूरा इनका पूरे सिस्टम चलता है। इसके अंदर आयोडीन 3 ब्यूटेरिक एसिड IBAR नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन, ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन की एक तो स्ट्रक्चर अपन ये बोल सकते हैं IAA के रूप में रहेगी और एक होता है IBA के रूप में। जो IBA होती है वो नेचुरली अकरिंग कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है वो। वेल नेप्थिलीन एसिटिक एसिड NAA24 अंदर यहाँ पे नेप्थिलीन एसिटिक एसिड यानी कि NAA और इसके अलावा 2,4-D यानी कि डाई क्लोरोफाइनोक्सी एसिटिक एसिड और इसके अलावा MCPA यानी कि 2-methyl-1,4-chlorophenoacetic एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक। देखो ये कुछ ऐसे होते हैं, ये सारे ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है सबकी? डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये नेचुरली भी पाए जाते हैं और इनको सिंथेसिस भी किया जा सकता है, बाहर से भी इनको बनाया जा सकता है। इनकी डिस्कवरी तो थी ऑक्सिन हार्मोन की, वो सबसे पहले किसने की थी? चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन फाउंड दैट द सेंसेशन ऑफ यूनिलेटरल एल्यूमिनेशन वॉज पिक्ड अप बाय द क्लोयापेथिल टिप ऑफ द
कैनरी ग्रासेस। देखो उसने देखा कि एक इसने क्या देखा था, इसके पास में एक पेड़ था, एक ग्रास थी, उस ग्रास का यहाँ से इसका टिप एरिया को हटा दिया तो उसने देखा कि उसकी ग्रोथ नीचे की तरफ ज्यादा हो रही थी। किसने देखा था? उसके बेटे ने देखा था, जो डार्विन था उसके बेटे ने, फ्रांसिस डार्विन ने। और वो कौन सी ग्रास थी जिसके अंदर सबसे पहले देखा था? कैनरी ग्रास। फ्रांसिस एफ डब्ल्यू वेंस इन 1928 कलेक्ट द ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस इन अगार जेल। He discovered that the hormone containing the chemical cause being to decapitated cellulopelic according to its concentration. कि इसके बाद में एक ये वाला जो साइंटिस्ट था ना एफ डब्ल्यू वेंट, देखो ये नाम थोड़े बहुत ज्यादा से है, तुम सोचोगे कि ये कैसे याद रखने, लेकिन अभी याद रखने ही पड़ेंगे, वो तो ज्यादा नहीं इतना याद रखने। सबसे पहले किसने देखा और कौन से प्लांट के ऊपर देखा, इसके बाद में वापस से किसने इसको कलेक्ट किया और इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसके बाद में सेकंड कौन था? एफ डब्ल्यू वेंट ने। इसने बोला कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको इंड्यूस कर रहा है, उसके टिप एरिया के ऊपर ये रहता है। ही नेम्ड दिस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस एज ऑक्सिन। और उसी ने इसको किस नाम, क्या नाम दिया इसको? ऑक्सिन नाम दिया, कि जो रेस्पॉन्सिबल है ना प्लांट की ग्रोथ के लिए वो कौन सा है? ऑक्सिन। लैटरल कोगी एंड स्मिथ आइसोलेटेड थ्री केमिकल फॉर्म्स ह्यूमन यूरिन विच दे नेम्ड एज ऑक्सिन। इसके अलावा कुछ ये तीन साइंटिस्ट और आए, ये कोगी एंड स्मिथ, सॉरी दो साइंटिस्ट, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने तीन केमिकल सब्सटेंस खोजे जो कि किसके अंदर थे? ह्यूमन के यूरिन के अंदर थे। और इसने बोला उसको भी इसने किस नाम, क्या नाम दिया? ऑक्सिन नाम दिया। ऑक्सिन, एक तो ऑक्सिन ए, एक ऑक्सिन बी, एंड एक था हेट्रो ऑक्सिन। किसने? कोगी एंड स्मिथ ने। इसने इसको क्या क्या बोला? एक तो ऑक्सिन ए, ऑक्सिन बी और हेट्रो ऑक्सिन। और ये कहां मिला उसको? ह्यूमन के यूरिन के अंदर। कोगी फाउंड दैट हेट्रो ऑक्सिन इज रियल प्लांट ऑक्सिन एंड इट इज केमिकली इंडोल थ्री एसिटिक एसिड। और फिर उसके बाद में सबसे मैन, देखो ये बताया तो सबने था प्लांट के बारे में, लेकिन ये जो कोगी है ना, इसने लास्ट में ये बोला कि ये यही है, मतलब जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो इंडोल थ्री एसिटिक एसिड ही है जो इस ग्रोथ के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल है। अगार जेल है ये। अगार जेल जो है, जब अपन लोग रिसर्च वगैरह करते हैं ना तो उसके अंदर एक जेल है, उसके अंदर जैसे डीएनए वगैरह को सेपरेट करना, प्रोटीन को सेपरेट करना, इन सबको एक जेल आता है उसके अंदर डाल के उनको सेपरेट किया जाता है। हर किसी के लिए अलग अलग होता है, डीएनए के लिए अलग होता है, आरएनए के लिए अलग होता है। यहाँ पे किसको किया था? अगार जेल केमिकल जो सब्सटेंस था ना ऑक्सिन, उसको किया था। ऑक्सिन की जो लोकेशन होती है वो कहाँ कहाँ होती है? सब सेकंड है, आईए इज फाउंड इन सूट एपिकल्स लीफ प्रीमोडियल एंड डेवलपिंग सीड। ये तीन जगह पाया जा सकता है, एक तो अपने रूट टिप बोला था, तो रूट टिप यहाँ पे क्या होगा? लीफ प्रीमोडियल, यानी कि जैसे कि एक रूट टिप था एक स्टेम का, ये वाला पार्ट यहाँ पे, एक रूट की जो टिप होती है ना जहाँ पे, ये वाला पार्ट होगा, इन जगह पे ये पाया जाएगा। इसके अलावा डेवलपिंग सीड होता है, जब सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करता है ना उस टाइम पे होगा ये हार्मोन। अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इज प्रीकर्सर ट्रेवल्ड बेसिकली फॉर टिप और एपेक्स टूवर्ड द बेस एगार ब्लॉक फॉर सिंथेसिस ऑफ आईएए और ऑक्सिन। इसके अलावा जो एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान, वो इसका प्रीकर्सर होता है जिसकी मदद से ये क्या करता है, इसका आईएए और ऑक्सिन का क्या होता है, इसकी मदद से सिंथेसिस होता है। अब इसका है, थोड़ा बायो ऐसे देख लें, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना आईए का कैसे होता है, एक तो हेक्सोज ये रिंग होती है इसके पास में, इस रिंग के पास में एक पेंटोज रिंग होती है जिसके पास में एक नाइट्रोजन होता है और ऊपर की तरफ एक कार्बन और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होगा। ये स्ट्रक्चर है, ये तुमसे पूछ सकता है एक नंबर में या दो नंबर में कि इंडोल थ्री एसिटिक एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर बताओ, तभी आ सकती है। देखो यहाँ पे दे भी रखा है, ये रहा ऑक्सिन। अब यहाँ पे इस एरिया को कट करके यहाँ पे क्या कर दे अपन, लाइटिंग जब डालेंगे ना तो देखो कैसे फोल्ड हो रहा है ये,
लाइट की तरफ जा रहे हैं ना ये, तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्स होगा क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस करेगा और प्लांट की ग्रोथ को रेस्पॉन्स करेगा। एवेना कल्चर टेस्ट एंड रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट आर डन फॉर एग्जामिनिंग ऑक्सिन इफेक्ट। द इनोवा कर्वेचर टेस्ट इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट ऑफ F.W. वॉन्ट ऑन टिप्स ऑफ कोलियोपैथिलस ऑफ ओट्स सीडलिंग। इसके अलावा ये जो इनोवा जो कल्चर है ये टेस्ट किया गया जिसके बेस पे क्या किया गया, इसके बेस पे एक्सपेरिमेंट किया गया F.W. के द्वारा और इनको कोलियोपैथिलस और ओट सीडलिंग है उनके बारे में टिप्स दी गई थी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसका एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन और देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक इसका। इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये होगा ऑक्सिन इंड्यूस सेल डिवीजन एक्टिविटी इन कैम्बियम एंड इलोंगेशन ऑफ सेल सूट। ये याद रख लेना तुम तो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा ऑक्सिन का वो क्या क्या होगा। एक तो वो क्या करेगा, सेल डिवीजन करवाएगा, इसके अलावा इलोंगेशन होगा सेल सूट के अंदर। दे इंड्यूस अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा जो जाइलम और फ्लोएम है उनके टिश्यू में भी ये क्या करेगा, सेल डिवीजन करने के लिए डिफरेंशिएशन करेगा। इन जनरल ऑक्सिन इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग बट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट्स एट हायर कंसेंट्रेशन। देखो इसकी लो कंसेंट्रेशन रहेगी तब तो प्लांट ग्रोथ करेगा, लेकिन जब इसकी हायर कंसेंट्रेशन हो जाएगी ना तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड एंड प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। इसके अलावा ये एक्सिलरी जो बर्ड है उनके अंदर प्रमोट कर देता है एपिकल डोमिनेंस को। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स। किन के अंदर होता है ऑक्सिन, पाइनएप्पल्स के अंदर भी ये प्रमोट करता है किसको, फ्लावरिंग को। देखो फ्लावरिंग हार्मोन्स नहीं होते हुए भी एप्पल में किसका फंक्शन कर रहा है, कि फ्लावरिंग का। दे इनहेंस द साइज ऑफ कार्पल एंड हेंस ईयरलियर फ्रूट फॉर्मेशन। इसके अलावा शुरुआत में जब फ्रूट बनता है ना तब उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑक्सिन होता है। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन, रिटार्ड द अब्सेशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट ब्रांचिंग ETCR earlier stage, but promote the obsession of older maturation leaves and fruit ऑक्सिन फ्रूट। इसके अलावा ये इनहेंस कर देता है एक तो earlier फ्रूट फॉर्मेशन को और साथ में ही रिटार्ड करता है सेंसेशन को और रिटार्ड करता है अब्सेशन को, किसकी, लीव्स की अब्सेशन को और फ्रूट ब्रांचिंग इन सब को एट earlier स्टेज। और जब इनकी earlier स्टेज होती है ना किनकी, प्रमोट अब्सेशन ऑफ ओल्डर मैचुरेशन लीव्स एंड फ्रूट, कि इन फ्रूट को और इन सब के मैचुरेशन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होगा इनमें। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन सेम प्लांट लाइक टोमेटो। टोमेटो के अंदर पार्थेनोकार्पी को भी क्या करता है, ये इंड्यूस करता है। दे इंड्यूस फेमिनाइजेशन इन सर्टन प्लांट, एग्जाम्पल मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, फीमेल फ्लावर एंड प्रोड्यूस। इसके अलावा फीमेलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल कैरेक्टर जो है उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, कि उनके जो फीमेल वाले ओवरी जो हो गई, उनकी स्टाइल हो गई, स्टिग्मा हो गई, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ऑन मेल प्लांट फीमेल फ्लावरिंग आर प्रोड्यूस। इसी की वजह से मेल प्लांट और फीमेल जो फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है उनको भी ये प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सिन लाइक 2,4-di एंड 2,4-5-tri एक्ट एज वीडेसाइड्स। इनको वीडेसाइड्स के रूप में भी यूज में लिया जाता है। वीडेसाइड्स जो अपन उसके लिए करते हैं ना, जो अपने वीड्स वगैरह होते हैं उनके बाहर की जो पैरासाइट वगैरह जो है उन पे अटैक नहीं करते उसके लिए। बाई बींग सिलेक्टिवली हार्मफुल टू ब्रॉड लीव्ड डाइकोट्स वीड। और इसके अलावा ये हार्मफुल होते हैं उन प्लांट के लिए जिनको डाइकोट्स वीड होते हैं, उन सब के लिए ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये टिप एरिया है यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा ब्रॉडली बता रखा है,
यहाँ से इसको कट करते ही देखो साइड में तो क्या निकलने लग गई, ब्रांचेस स्टार्ट हो गई। तो मतलब ये टिप एरिया पे अपन बता सकते हैं कि जब प्लांट ग्रो करेगा तो जब अपन ऑक्सिन वाले पार्ट को कट कर देंगे, साइड में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हाई होगी, वहां पे क्या हो जाएगी, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।